अब तक तो गौरी पुत्र को लौट आना चाहिए। उन्होंने तो मुझे कहा था कि वे शीघ्र लौट कर आएंगे। ये परमदेव की कैसी लीला है कि उनके अवतार कभी साथ साथ नहीं रहते। मयूरेश्वर श्री गणेश, क्या गौरी पुत्र श्री गणेश कैलाश लौट आए? मयूरेश्वर, हम सभी गौरी पुत्र के विषय में जानने को उत्सुक हैं। कृपया बताएं, क्या वे कैलाश लौट आए? मैं कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसने तो मुझे वचन दिया था कि वह शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएगा, परंतु अभी तक। माता पार्वती ने गौरी पुत्र श्री गणेश के लिए उनके प्रिय मोदक बनाए हैं। माता सोच रही थी कि श्री गणेश कैलाश लौट आए होंगे। आप तो जानते हैं मयूरेश्वर कि श्री गणेश को मोदक कितने प्रिय हैं। वे मोदक के अतिरिक्त कोई दूसरा अन्न नहीं खाते। आप इस प्रकार क्यों बैठ गए मयूरेश्वर? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ हुआ होता तो तुम दोनों को दिखाई ना पड़ता क्या? परंतु आप एकाएक उदास क्यों हो गए? क्या सोच रहे हैं आप मयूरेश्वर? यही कि मैं व्यर्थ ही गौरी पुत्र के कहने पर कैलाश चला आया। यहाँ किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं? सत्य ही तो कह रहा हूँ मैं। माता पार्वती अभी भी मुझे पराया समझती हैं। नहीं मयूरेश्वर, ये बात सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है ब्रिंगी? माता पार्वती ने गौरी पुत्र के लिए मोदक बनाए और उन्हें बुला लाने के लिए तुम दोनों को भेजा, परंतु मेरा स्मरण तक नहीं किया। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। संभवतः यही परम देव श्री महागणेश की इच्छा है। नहीं नहीं मयूरेश्वर, आप ऐसा अनर्थ ना करें। आपके जाने से हम सब दुखी हो जाएंगे मयूरेश्वर। हमारी प्रार्थना पर कृपा करें मयूरेश्वर। आप पहले की बात ही अदृश्य न हो जाना मयूरेश्वर। मैं जानता हूँ माता पार्वती के मन में मेरे प्रति उतना प्रेम नहीं है जितना तुम दोनों के मन में है। उन्होंने गौरी पुत्र को बुलाने भेजा और मेरा नाम तक नहीं लिया। मैं तो कैलाश में हूँ, फिर भी माता मुझे भूल गई। भूल माता से नहीं, भूल हम लोगों से हुई है। माता ने तो आप दोनों को बुलाने के लिए हम दोनों को यहाँ भेजा था। हाँ मयूरेश्वर, माता ने तो दोनों के लिए कहा था। मेरा मन रखने के लिए तुम दोनों झूठ बोल रहे हो ना? परंतु जीवन के कठिन से कठिन अवसर पर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु मयूरेश्वर, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम दोनों ने आते ही कहा कि माता ने गौरी पुत्र श्री गणेश के लिए मोदक बनाए हैं, मैं सब समझ गया था। मेरे जीवन में माता का प्रेम नहीं है। हमें क्षमा कर दे मयूरेश्वर, परंतु इस बात का विश्वास करें कि माता के मन में आप दोनों के लिए समान प्रेम है। अभी भी विश्वास करना शेष बचा है क्या? नंदी ब्रिंगी, मैं मोदक का भूखा नहीं हूँ। मुझे तो प्रेम की आवश्यकता है, माता के प्रेम की, परंतु वह मेरे भाग्य में नहीं है। इतने निराश ना हो मयूरेश्वर। आपकी निराशा के विषय में जानकर माता कितनी अधिक दुखी होंगी। मुझे आपकी निराशा से भय लग रहा है। आप फिर से कहीं अदृश्य होने की तो नहीं सोच रहे हैं? आप मेरे मस्तक पर हाथ रखकर यह शपथ लें कि आप मुझे निराश करके अदृश्य तो नहीं हो जाएंगे। देख रहे हो भृंगी, मेरे मस्तक पर हाथ रखकर ये मेरी शपथ के विषय में कुछ भी नहीं कह रहे। मुझे तो भय है कि ये कहीं दुखी होकर अदृश्य ना हो जाएं। अब तुम दोनों मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें बिना बताए आप फिर से अदृश्य हो जाएंगे। हमें इस प्रकार छोड़कर जाने की न सोचे मयूरेश्वर। भृंगी, तुम इनके चरण पकड़ लो। ये तुम्हें दुखी करके कभी अदृश्य नहीं होंगे। तुम्हें मेरी शपथ है कि एक क्षण के लिए भी इनके चरणों को नहीं छोड़ना।
मेरे पुत्र गणेश। मैं कैलाश में नहीं आकाश में हूँ, परंतु इस समय कैलाश में तो परम देव श्री महागणेश के अन्य अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश विराजमान है। मुझसे विनोद न करो पुत्र गणेश, शीघ्र प्रकट हो जाओ। देखो मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। अपनी देव दृष्टि का प्रयोग करके तो मुझे प्रत्यक्ष देख लो माता, परंतु इस समय मैं कैलाश में नहीं आऊंगा। क्यों पुत्र? क्योंकि इस समय मुझे कैलाश में आने से पहले कई और कार्य पूर्ण करने हैं। ऐसे कौन से कार्य संपन्न करने हैं तुमको जिनके विषय में मैं नहीं जानती? आप तो मेरी ही नहीं इस जगत की जननी है, जगदम्बा है। आपसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, परंतु इस समय मुझे जो कार्य संपन्न करने हैं उनके विषय में जानकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अर्थात तुम यहाँ नहीं आओगे, अपनी माता को सताओगे, पहले की भांति उसे दुख और वियोग पहुंचाओगे? वियोग कैसा माता, मैं तो तुम्हारे दिव्य दृष्टि के समीप हूँ, कहीं भी जाकर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हाँ, परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब मुझे मोदक खाने की आज्ञा न देना। तुम बहुत चतुर हो गए हो गजानन, मैं तुम्हें आज्ञा देने ही जा रही थी और तुमने मुझे आज्ञा देने से रोक दिया। आपकी आज्ञा मानना तो मेरा धर्म है, परंतु आप आज्ञा न दे इसीलिए मैंने आपको रोक दिया। परंतु माता, परम देव श्री महागणेश के मयूरेश्वर अवतार भी तो तुम्हारे पुत्र हैं। तुमने मेरे लिए मोदक बनाए परंतु मयूरेश्वर श्री गणेश का स्मरण तक नहीं किया। माता, मयूरेश्वर मुझे बहुत प्रिय है, तुम जानती हो वे एक विशेष कार्य के लिए मेरे ही कहने पर कैलाश में प्रकट हो गए। माता, क्या मयूरेश्वर मेरे समान तुम्हारे स्नेह के अधिकारी नहीं है? कैसी बात करते हो पुत्र, माता के लिए अपने पुत्रों में भेद नहीं होता। परंतु मुझे बुलाने के कारण मयूरेश्वर को आघात पहुंचा है, वे बहुत दुखी है। माता, आप उसे अपना शीतल प्रेम और स्नेह प्रदान करके उसके दुखों का अंत करो। मेरी प्रार्थना मानकर उसे यही मोदक प्रेम से खिलाओ, मयूरेश्वर के खाने से मेरी भूख भी मिट जाएगी। अब मुझे आज्ञा दे माता। माता, अनर्थ हो गया, मयूरेश्वर अब कैलाश पर एक क्षण भी रहना नहीं चाहते। गौरी पुत्र के बुलाने पर उन्हें बहुत दुख पहुँचा है। माता, हमने उनको अपनी शपथ देकर रोकने का बहुत प्रयास किया परंतु वो नहीं रुके। मेरे कहने पर इस समय भृंगी उनके चरण पकड़े बैठा है, कहीं वो किसी को बताए बिना अदृश्य ना हो जाए। नंदी, ये थाल लो और शीघ्र मेरे साथ चलो, मैं अपने हाथों से मयूरेश्वर को मोदक खिलाऊंगी। पुत्र हुआ तो क्या हुआ, अपनी भूल के लिए मैं उससे क्षमा मांगूंगी। मेरे स्नेह की उपेक्षा करके वो कहीं नहीं जाएगा। चलो नंदी। क्या आप मेरे इस प्रकार चरण पकड़े रहने पर भी अदृश्य हो सकते हैं मयूरेश्वर? ऐसा ना करें, आपके अदृश्य होने पर हम सबको बहुत दुख होगा। मुझ पर विश्वास रखो भृंगी, माता पार्वती अथवा गौरी पुत्र श्री गणेश के आने तक मैं अदृश्य नहीं होऊंगा। अब मेरे चरण छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे चरण छोड़ने की आज्ञा न दें। शिव गणों के प्रमुख नंदी महाराज ने मुझे शपथ दी है और मुझे उनकी शपथ का आदर तो करना ही होगा। पुत्र मयूरेश्वर, क्या तुम अपनी माता से रुष्ट हो? क्या अपनी माता की भूल ने तुम्हें आघात पहुंचाया है? क्या तुम अपनी माता की भूल को क्षमा नहीं करोगे? ऐसा कहकर आप मुझे पापी बना रही हैं माता, मैं भला आपसे रुष्ट कैसे हो सकता हूँ? आपकी कृपा से तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। ये तुम माता का मन रखने के लिए कह रहे हो ना?
यदि तुम वास्तव में ही रुष्ट नहीं हो तो ये लो, ये मोदक खाओ और इस बात का प्रमाण दो कि तुम मेरी भूल से दुखी और रुष्ट नहीं हो। माता पार्वती मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। पुत्र इंद्र, आराधना करते समय यदि आराधक के मन में अपने आराध्य के प्रति कर्म और वचन का समर्पण नहीं होगा तो पुत्र उसे आराधना का लाभ नहीं मिलता है। परमदेव तो भाव के भूखे हैं, स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करके तुम उनसे वो सब कुछ पा सकते हो जिसकी तुम कामना कर रहे हो। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। भैया सूर्यदेव, आप ही के कारण मुझे यह भयानक कष्ट भुगतना पड़ रहा है। आपने भाई जैसा नहीं शत्रु जैसा कार्य किया है। आप तो स्वयं देवता हैं, परंतु सिंधु दैत्य को वरदान देकर आपने देवत्व को कलंकित कर दिया है। शांत हो भैया इंद्र, शांत हो। परमदेव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़कर उठ खड़े होना उचित नहीं है। आपने पहले भी श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ी थी जिसका परिणाम आप अब तक भुगत रहे हैं। आपकी मूर्खता का फल भुगतना तो इंद्र का दुर्भाग्य है। आपने सिंधु को अनजाने में अमृत कुंभ प्रदान करके उसे सदा सदा के लिए अमर कर दिया है। अब उससे स्वर्ग का सिंहासन कदापि नहीं मिल सकता। ऐसे में श्री महागणेश की आराधना करने से मुझे क्या मिलेगा? शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। आराधना करते समय आराधक को अपने आराध्य के प्रति भक्ति दिखानी चाहिए, उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। क्रोध से मन भ्रमित हो जाता है पुत्र। परम दयालु परम देव श्री महागणेश असंभव को भी संभव बना देते हैं। ये संसार उनकी लीला मात्र है, उन पर पूर्ण विश्वास रखो पुत्र, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरा कल्याण तो मेरे भाई ने कर दिया। संसार को प्रकाशित करने वाले मेरे भाई ने मेरे ही जीवन में अंधकार का विष खोल दिया। मैंने इनको बार बार रोकने का प्रयास किया परंतु इन्होंने मेरी घोर उपेक्षा की। भैया इंद्र, मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान करना तो विधि का विधान है। जिस विधान की आप दुहाई दे रहे हैं वही विधान आपसे आपका तेज और लोक मांगे तो आप देंगे? पुत्र इंद्र, बात को बात ही रहने दो, बात का बतंगड़ न बना, इससे किसी को लाभ नहीं होगा।
किसी को भी लाभ हो अथवा नहीं, किंतु मुझे जो हानि पहुंची है वो तो मैं ही जानता हूं पिताश्री। पुत्र सूर्य, तुम यहां किसी विशेष कारण से आए हो, क्योंकि तुम्हारे यहां आने से तुम्हारे भाई को कोई लाभ नहीं हुआ, वो क्रोधित हो गया है। पुत्र सूर्य, इंद्र को जो कष्ट पहुंचा है उसके अंत का कोई उपाय बताओ। पुत्र सूर्य, क्या यह सत्य है कि तुम संजाने में प्राप्त अमृत पीकर सिंधु अब स्वर्ग का सिंहासन कभी नहीं छोड़ेगा? क्या तुम्हारा महान भाई इंद्र सदा सदा के लिए स्वर्ग सिंहासन से वंचित होकर इधर उधर भटकेगा? नहीं माता, नहीं। भैया, इंद्र को उनका स्वर्ग सिंहासन अवश्य प्राप्त होगा। ये अटल सत्य है कि सिंधु दैत्य का वध परमदेव श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर के हाथों होगा। परंतु भैया, इंद्र ने बार बार परमदेव श्री महागणेश की आराधना को अधूरा छोड़कर सिंधु दैत्य की आयु को बढ़ा दिया है। आराधना अधूरी छोड़ने का परिणाम शुभ नहीं होता है पुत्र। परंतु पुत्र, पिताश्री, देवताओं की भूल का परिणाम बार बार सिंधु दैत्य को मिल रहा है। इसे रोकने के लिए भैया इंद्र को देवताओं की शुभचिंतक भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। भगवान विष्णु की शरण में? हाँ माता, वैकुंठनाथ भगवान विष्णु ही भैया इंद्र को इस संकट से उबार सकते हैं। मैं यही परामर्श देने के लिए यहाँ आया था। अब मुझे आज्ञा दें। नारायण।